अफ्रीका के घने जंगलों में सर्वत्र शांति थी, हिंसा और भय का वातावरण तक नहीं था। कोई अकारण किसी से लड़ता नहीं था, कोई किसी का भोजन नहीं हड़पता था। सिंह राजा मुफासा न्यायप्रिय और दयालु था और साथ ही साथ विधि व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध। इस कारण लालची और स्वभावतः चोर और दुष्ट लकड़बग्घे वन साम्राज्य की ओर फटकते भी नहीं थे। मुफासा का एक भाई था जिसका नाम था स्कार। स्कार निर्बल और कायर था, उसमें एक भी गुण मुफासा के नहीं थे, परंतु स्कार था बड़ा ही ईर्ष्यालु और चालाक। उसकी मित्रता वन साम्राज्य से निष्कासित लकड़बग्घों से थी, परंतु वह इसका पता मुफासा को नहीं चलने देता था। स्कार बस दिन भर मुफासा को मारकर राज्य हड़पने की युक्ति भिड़ाने में लगा रहता था, परंतु सीधे द्वंद में मुफासा को पराजित करना स्कार के बस की बात नहीं थी। तदनंतर एक दिन वन साम्राज्य एक महान प्रसन्नता के समाचार के साथ उठा। सिंह राजा मुफासा की पत्नी रानी सराबी ने एक सिंह शिशु को जन्म दिया था जो शैशव से ही बलिष्ठ प्रतीत हो रहा था। उसका नाम रखा गया सिम्बा। स्कार के मन में मानो एक फांस सी उठी। उसकी मुफासा और उसके पुत्र को मारने की इच्छा और प्रबल हो उठी। एक दिन दुर्भाग्य ने मानो वन साम्राज्य को आ घेरा। सिम्बा जंगली भैंसों के झुंड में जा गिरा। मुफासा ने उसे वहां से निकाल लिया, पर दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। ऐसे में स्कार वहां आ पहुंचा और उसने अपने भाई को पहाड़ी से धक्का दे दिया। मुफासा सीधे भैंसों के झुंड के बीच में गिरा और देखते ही देखते उनके पैरों के नीचे रौंदा गया। मुफासा मर चुका था। वन साम्राज्य राजा विहीन हो चुका था और सिम्बा अनाथ हो चुका था। स्कार ने सिम्बा के मन में आत्मग्लानी भर दी और उसे राज्य छोड़कर जाने को कहा। नन्हा सिम्बा मुंह लटकाकर दूर चला गया, जहां उसकी मित्रता अन्य पशुओं से हुई। वहीं स्कार अपने लकड़बग्घे मित्रों और मंत्रियों के साथ मुफासा का राज्य हड़प लेता है। जिस राज्य में सर्वत्र शांति थी, हिंसा और भय का वातावरण तक नहीं था, जहां कोई अकारण किसी से लड़ता नहीं था, कोई किसी का भोजन नहीं हड़पता था, वही वन प्रदेश एक खंडहर सा बन जाता है। अधिकतर पशु वहां से पलायन कर देते हैं, परंतु स्कार और उसके लकड़बग्घे मित्रों को न भोजन की कमी थी और न आराम की। कालांतर में सिम्बा भी एक बलिष्ठ सिंह बनता है, जिसे उसकी एक पुरानी मित्र उसकी शक्ति का आभास कराती है। वह पुनः अपने घर लौटता है और स्कार को ललकारता है। अपने पिता की तरह ही डील डॉल वाले सिम्बा को देखकर स्कार की घिग्गी बन जाती है और वह क्षमा याचना करने लगता है। बाद में वह सारा आरोप लकड़बग्घों के सर मढ़ देता है। लकड़बग्घे क्रुद्ध हो उठते हैं। सिम्बा स्कार को क्षमा करके लौटने लगता है, पर स्कार पीछे से वार करता है, पर सिम्बा के एक पंजे से ही वह नीचे गिर जाता है और इसके बाद लकड़बग्घे उस पर आक्रमण कर देते हैं और कुछ ही क्षणों में स्कार दम तोड़ देता है। यह फिल्म द लायन किंग की कहानी है, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र की राजनीति का भी। महाराष्ट्र एक संपन्न राज्य है, जहां के सिंह राजा मुफासा थे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उनके साथ साथ चलने वाले परंतु उनसे ईर्ष्या करने वाले शिवसेना अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्कार के रोल में बिल्कुल सटीक बैठते हैं और उनके लकड़बग्घे मित्र हैं उनके महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी और कांग्रेस। यहां सिम्बा के रोल में जनता है, जिसे विवश करके बाहर निकाल दिया गया। बस एक अंतर यह है कि मुफासा गिरकर घायल तो अवश्य हुआ है, मरा नहीं है। सिम्बा का समर्थन और सहयोग मुफासा के साथ है और मुफासा पुनः अपने राज्य को जीतने अवश्य जाएगा। ऐसे में स्कार बने ठाकरे अपने कार्यकाल में हुई हर गलती का ठीकरा लकड़बग्घों अर्थात एनसीपी और कांग्रेस के सर फोड़ेंगे। मुफासा पुनः राजा बनेगा और लकड़बग्घे स्कार का वही हाल करेंगे जो उन्होंने फिल्म में किया था।